नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। और जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं क्रिकेट या कोई भी गेम खेलना कितना टफ है। आखिर दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, हम किसी प्लेयर को कैसे जानेंगे कि वो आपके कंट्री को मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, या वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लायक है कि नहीं, या कोई भी स्पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं कल क्रिकेट के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा पूरा टॉपिक और चैनल है, अभी मतलब क्रिकेट से रिलेटेड है, तो आप किसी एक क्रिकेटर को कैसे जानेंगे कि ही हैज बीन अ मैच्योर्ड पर्सन टू प्ले फॉर योर नेशन एंड ही इज रेडी टू प्ले द इंटरनेशनल क्रिकेट, आप कैसे जानेंगे दोस्तों? तो ठीक, सही बात, आप उनको इसीलिए जानेंगे कि वो स्टार्टिंग में कैसे खेलता है। अगर वो छोटे जब अपना जिंदगी स्टार्ट करता है क्रिकेट खेलने के लिए तो कैसे खेलता है, फॉर एग्जाम्पल अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, स्टफ लाइक दैट। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद ही आप उनको जानेंगे कि उस प्लेयर का कैलिबर क्या है। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आज एक ऐसे प्लेयर का नाम आपको बताने जा रहा हूं, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो बड़े बड़े क्रिकेट के शौकीन हैं वो भी उस प्लेयर का नाम नहीं जानते होंगे। दोस्तों इनके बारे में मैं अब से नहीं, लगभग मैं जब 12-13 साल का था तब इनका नाम पहली बार सुना था दोस्तों। तो लेकिन मैं इनका बहुत कायल था, हालांकि इनके मैचेस कभी देखने को हमें मतलब मौका नहीं मिला। वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट दैट कि हम उनको देख नहीं पाए खेलते हुए। लेकिन दोस्तों उनके बारे में मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों ये वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगे, उनके बारे में मैं बहुत जगह से कई जगह से उनकी चीज़ों को उठाया। कई मेरे एक दो दोस्त जो अम्बाला के रहने वाले जो खुद खेलते हैं अच्छा खासा क्रिकेट, तो मैं उनसे भी पहले बात किया, तो उनसे भी जानने की कोशिश किया उनके बारे में दोस्तों। ठीक, अभी मैं थोड़ा सस्पेंस में हूँ, उस प्लेयर का नाम नहीं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। वो प्लेयर लेकिन मात्र 17-18 साल का उम्र होते होते उस प्लेयर का जो है 9 जनवरी 1992 को उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, सही सुना आपने, वो प्लेयर आज हमारे बीच में नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर इंडिया हैज एवर बीन प्रोड्यूस्ड। जी हाँ दोस्तों, अब उनका नाम बताने जा रहा हूँ आपका, उनका नाम है ध्रुव महेंद्र पांडव। जी हाँ दोस्तों, सही नाम सुना आपने, उनका नाम है ध्रुव महेंद्र पांडव। आज से ठीक 29 साल 3 महीने और 26 दिन पहले की बात है, एक ऐसा ही टैलेंटेड क्रिकेटर हमारे देश का जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 18 साल के ध्रुव पांडे प्रथम श्रेणी क्रिकेट जब खेल रहे थे तो उस समय वो ही वॉज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर। और उनका केवल हमारे क्या बोलते हैं नॉर्थ जोन में नहीं, उनके गेम से लगभग पूरी इंडिया के लोग उनको जान गए कि वो उनके अंदर कितना किस तरीके का टैलेंट था दोस्तों। एक बार की बता रहा हूँ कि एक मैगजीन में आया था, उस समय अनिल कुंबले ने उनको आखिरी गेम फेंकी थी, एक उनका मैच था आखिरी गेम, तो उस मैच में अनिल कुंबले जी उनको याद करते हुए देखे थे कि जब मैंने ध्रुव को गेंदबाजी किया और उनके ध्रुव के बल्लेबाजी करने के अंदाज को देख करके मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे देश को एक इतना अच्छा क्रिकेटर मिल रहा। लेकिन हम देखते देखते ऐसा होता है कि एक इतना टैलेंटेड प्लेयर आपको अचानक छोड़ करके चला जाता है, जिसका इतना दुख होता है, और शायद वो आपको एज ए क्रिकेटर आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। तो दोस्तों मैं उसी प्लेयर के लिए बात कर रहा हूँ, ध्रुव महेंद्र पांडव, जिनका जन्म 9 जनवरी 1974 को हुआ था। और एक वो प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे जिन्होंने पंजाब के लिए क्रिकेट खेलते थे, और मात्र 13 साल की उम्र में। जी हाँ दोस्तों, जब 13 साल की उम्र में बच्चे अपने गली में भी क्रिकेट खेलते हैं, उस समय उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था। और ही वॉज सच अ टैलेंटेड क्रिकेटर, जिनको हम विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे हम कह सकते हैं, विलक्षण प्रतिभा संपन्न। उनका उपनाम मुन्ना था, उनको घर में लोग मुन्ना के नाम से बुलाते थे। अब दोस्तों मैं उनके एक प्लेइंग स्टाइल्स के बारे में बताता हूँ। जब ध्रुव ने अपने करियर को स्टार्ट किया शुरुआत से बचपन से, तो वो एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे, बाद में वो बाएं हाथ के बल्लेबाज बने। और खास बात उनके लिए है कि ये दोनों हाथ से बल्लेबाजी अच्छी करते थे। और दोस्तों एक और ध्रुव के बारे में खास चीज़ है, उन्होंने कभी भी औपचारिक मतलब जो है ट्रेनिंग कहीं किसी से भी नहीं लिया। उनके पिताजी ने उनको खुद एक ट्रेनिंग दिया था घर में। मैं बता दूं कि उनके पिता भी एक बहुत अच्छे मतलब क्रिकेटर थे, जिन्होंने पंजाब के लिए 75 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से पांडव को एक ऐसे 2011 में एक मतलब लेख लिखा गया था, तो उसमें उसमें बताया गया था उनके बारे में कि ही वॉज सच ए टैलेंटेड प्लेयर।
और हमें उनको खोने पे बहुत बड़ा धक्का लगा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक इसमें क्या बोलते हैं मैगजीन में आया था उनके बारे में। और दोस्तों उस समय के एक उनके टीममेट्स थे अजय जडेजा, उन्होंने ध्रुव पांडव के बारे में एक बात लिखा था कि ही वॉज सच अ फियरलेस क्रिकेटर एट द वेरी यंग एज, कि उतने कम एज में मैंने इतने फियरलेसली क्रिकेट खेलते हुए, इतना स्ट्रोक प्ले खेलते हुए किसी बल्लेबाज को नहीं दिया। और दोस्तों आज के डेट में जो भारतीय टीम के कोच हैं विक्रम राठौर, जो जिनको आप जानते हैं कि खुद ही एक रणजी ट्रॉफी के कितने बड़े टाइकून हैं इन टर्म ऑफ द क्रिकेटिंग सेंस, तो उन्होंने भी ध्रुव पांडे के बारे में बताया हुआ कि इतनी कम एज में ध्रुव ने इतनी अच्छी मैच्योरिटी और इंटेलिजेंसी जो दिखाई, जो कि काबिल तारीफ है। फिर दोस्तों मैं उनको आप उनकी लाइफ और उनकी करियर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्रुव का जन्म 9 जनवरी 1974 को पटियाला में हुआ था। उनके पिता श्री एमपी पांडव एक प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, जो कि दक्षिण पंजाब, जो पंजाब को उत्तरी क्षेत्र के लिए खेलते थे, और उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में पंजाब के लिए खेले, और बाद में ही एज बीन अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर इन पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। और दोस्तों फिर ध्रुव के क्रिकेटिंग करियर के बारे में बात करना चाहते हैं। पंजाब के अंडर 19 और अंडर 17 के भारी स्कोर करने के बाद चर्चा में आए। उन्होंने बल्क में, जिस समय हिंदी में कहावत कहते हैं बोरे भर के रन बनाना, मतलब बोरे में ठूस ठूस करके रन बनाना, मतलब इतना ज़्यादा रन बनाया था उन्होंने ध्रुव पांडे ने, कि उसके बाद 1987-88 में वो अपने आप ही लाइम लाइट में आ गया। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के एलियंस अंडर 17 में खेलते हुए 159 रनों की पारी खेली, और साथ में अंडर 17 खेलते हुए पंजाब के खिलाफ ही सॉरी दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 51 रन का नाबाद स्कोर मारा। उसके बाद दोस्तों 1987 में 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया, और उसके बाद उन्होंने उस डेब्यू मैच में हिमाचल के अगेंस्ट में शानदार 94 रन की पारी खेली। और इस तरह से दोस्तों फिर क्या हुआ, ध्रुव का इम्प्रूवमेंट होता गया। ध्रुव 1987-88 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उत्तर क्षेत्र के कैप्टन बने, और दोस्तों इसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में 206 रन की एक बहुत अविश्वसनीय पारी खेली। उसके बाद वो ईस्ट जोन के खिलाफ भी अगले मैच में सेंचुरी मारते 117 रन, और फिर दूसरी पारी में वो 42 रन मार करके नबाद रहते हैं और अपनी टीम को कप जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर दोस्तों 1988 में केवल अपना तीसरा प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेलते हुए पांडव ने जम्मू कश्मीर के खिलाफ 137 रन की पारी खेली, और उस सेंचुरी के साथ ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने, मात्र 14 साल और 294 दिन की उम्र में। दी हैं दोस्तों आपने सही सुना, मात्र 14 साल और 294 दिनों की उम्र में। फिर दोस्तों क्या होता, उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम के लिए चुना जाता है, जिस और 1988 और 89 के बीच में पाकिस्तान में अंडर 19 एक टेस्ट सीरीज होती है जहां पे भारतीय टीम जीत जाती है। फिर दोस्तों फिर क्या होता, 1990-91 में ये सिलसिला आगे बढ़ता है, और उनको पंजाब के लिए कूच बिहार ट्रॉफी के लिए अंडर 19 टीम के कप्तान बनाया जाता है, जहां पर उन्होंने अपना 2 शतक मारा लगातार। और फिर 1990 में उन्होंने लिस्ट ए डेब्यू में अपना पहला मैच खेलते हुए 64 रन की पारी खेल दी। फिर दोस्तों बारी आती है 1999 में, सॉरी दोस्तों 1988 में आती है, जब उन्होंने पंजाब में रणजी ट्रॉफी में अपना पहला ही मैच खेलते हुए सर्विसेज के खिलाफ सर्वाधिक 170 रन मारा। और इसके साथ ही दोस्तों रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में 1000 रन मारने वाले वो दुनिया के फिर सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हुए। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 17 साल और 341 दिन। और दोस्तों वो एक ऐसा बच्चा था जिसके अंदर टैलेंट बहुत भरी थी, हर तरह के पिचेस में खेलने को उसका अंदाज, क्या फास्ट बॉल खेलना, क्या स्पिन बॉल खेलना, उनके बारे में मैंने कई जगह से कई लोगों से जानकारी प्राप्त की कि वो जितनी बैकफुट पे सहज थे उतने फ्रंट फुट पे सहज थे, और वो कभी पुल शॉट खेलने के इतने माहिर थे कि वो कभी पुल शॉट खेलने में उनको कभी भी दिक्कत होती नहीं थी। फिर दोस्तों उसके बाद बारी आती 1992 की, जिस समय उनको नॉर्थ जोन के अंडर 19 की कप्तानी मिली, और इसके बाद वो क्या करते हैं सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 73 रन की पारी खेलते हैं, और फिर इसके बाद साउथ जोन के खिलाफ 87 रन की पारी खेलते हैं, और फिर ऐसे आगे होते 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 सी के नायडू फिर खेलते हैं ट्रॉफी, और जिसको वो सी के नायडू ट्रॉफी पंजाब को जितवाने में
बहुत बड़ा योगदान देते हैं। फिर दोस्तों एक दिन आता है 28 जनवरी 1992 को, पांडे ने संबलपुर में एक देवधर ट्रॉफी का मैच हो रहा था क्वार्टर फाइनल, जिस मैच में हमारे वन ऑफ द ग्रेट स्पिनर अनिल कुंबले जी थे, वेंकटेश प्रसाद खेल रहे थे, दिल्ली के आशीष कपूर, अरशद अयूब, ये सब मिल करके दक्षिण क्षेत्र की गेंदबाजी के आक्रमण के सामने आपकी क्या बोलते हैं ध्रुव पांडे ने शानदार 73 रन की पारी खेली और उसके बाद वो उत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च स्कोरर रहे और उनको वहाँ पे मैन ऑफ द मैच मिला। और दोस्तों वहीं पे एक आपका एक वाक्य बताता हूँ, वहाँ पे जो भारतीय अभी फिलहाल में जो उनके चीफ सेलेक्टर हैं चेतन शर्मा, उन्होंने उनको कुछ प्राइज मनी दिया था, हालांकि वो मैच बाद में वो हार जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे एक हमारी टॉपिक के साइड एक मोड़ पे आती है, एक बहुत ही क्या बोलते हैं दुखद मोड़ पे आती है। तो देवधर ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पांडे ने संबलपुर से अपने घर आते हैं पटियाला, वो एक्चुअली ना ट्रेन से आते हैं अम्बाला कैंट पे आते हैं, ट्रेन से उतरते हैं और उसके बाद वो 31 जनवरी 1992 को उसी रात एक वो क्या बोलते हैं कैब पकड़ते हैं अपने वो घर जाने के लिए पटियाला। और जैसे वो कैब से जाते हैं तो क्या होता है जीटी रोड हाईवे पे उनकी एक्सीडेंट होती है और वो उसी समय उनकी ना मृत्यु हो जाती है और साथ में उनके भी दोस्त भी थे जो उनके दोस्त मर जाते हैं और एक जो उनका कैब का ड्राइवर था वो भी मर जाता है। और उस समय दोस्तों क्या होता था कि एक उसी समय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पे थी, जो ऑस्ट्रेलिया में कमेंटेटर ने इस बात को बोला तो उस समय क्या किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने 2 मिनट का मौन रखा। और दोस्तों इसके बारे में खुद उसके बाद मैं पांडे के बारे में कुछ बता दूँ कि एक वहाँ पटियाला में एक बरादरी ग्राउंड था क्रिकेट ग्राउंड जो उस समय होता था, जिसका नाम बाद में दोस्तों बदल करके ध्रुव पांडे स्टेडियम कर दिया गया। और उसी समय से सन 1994 से पांडे के परिवार ने एक वहाँ ट्रस्ट बनाया और उस मतलब ट्रस्ट का जो उनका मुख्य मतलब लक्ष्य था वो था कि क्रिकेट को बढ़ावा देना और जितने यंगस्टर आते हैं टैलेंटेड क्रिकेटर आते हैं उनको पूरा यहाँ पे खेल से जितने योगदान कर सके साथ में उनको ना एक उनमें ना रक्तदान भी होता है उस चीज में। और इसके बाद क्या हुआ ध्रुव पांडे स्टेडियम का प्रबंधन भी बाद में संभाला गया और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी उस समय उनके पिताजी के साथ थी। और उसके बाद 1999 में टेस्ट के युवा क्रिकेटर बहुत सारे टेस्ट के जो अच्छे से प्रिपेयर मतलब क्रिकेटर थे जिन्होंने यंगस्टर को वहाँ पे क्या किया कोचिंग देना स्टार्ट किया। इसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने 2011 में एक ध्रुव पांडे ट्रॉफी के नाम से एक टूर्नामेंट आयोजित किया। और दोस्तों एक और बात बता दूँ उनका जब मृत्यु होता है उनके मृत्यु के कुछ दिन बाद चेतन शर्मा पटियाला जाता है उनके फैमिली से मिलने के लिए। तो जब देखते हैं कि क्या होता है ध्रुव का किट बैग उनका कहीं अटारी पे रखा गया होता है जिनके उनके क्या होता है लेग गार्ड के फ्लैप के अंदर जो चेतन शर्मा ने प्राइज मनी दिया होता वो मनी आज भी संभाल करके रखे होते हैं। तब चेतन शर्मा उनको बहुत दुख होता है कि वो बच्चा आज भी हमारे प्राइज मनी को संभाल करके रखता है। दोस्तों हालांकि उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो करियर है उसके बारे में बता दूं तो ध्रुव ने मात्र 23 मैचेस खेले जिसमें 32 इनिंग खेले और एक बार नॉट आउट रहते हुए 1100 के आसपास स्कोर मारे जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर था 170 और उनका एवरेज अप्रोक्सीमेटली 36 के आसपास जिसमें दो उनकी ने सेंचुरियाँ थी और 6 हाफ सेंचुरियाँ थी। और दोस्तों एक और बात बताऊँ ध्रुव ने अपने करियर में कभी भी क्लीन बोल्ड नहीं हुए थे या तो कैच हाँ स्टम्पिंग भी नहीं हुए थे ओनली कैच या रनआउट 2 बार हुए। और उसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ उनका लिस्ट ए में करियर में 6 मैचेस खेले हैं जिसमें से 281 रन मारे हैं जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 73 रन था और उनका एवरेज भी लगभग वहाँ पे 50 के आसपास था जिसमें 1 शतक और 2 50। तो दोस्तों ये थी ध्रुव मनोहर पांडे की जर्नी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जर्नी पसंद आई होगी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे इस चैनल पे आप अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मुझे बहुत बहुत सारे प्यार दीजिए दोस्तों। इस पर जो कुछ भी कमेंट आप मुझे दे सकते हैं दीजिए सो दैट आई कैन डू बेटर एवरी टाइम इन एवरी अदर वीडियो आई कैन डू बेटर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे ये ख़त्म करता हूँ और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स।